प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 67वें जन्मदिवस के अवसर पर टोहाना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि देश और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में प्रगति कर रहे हैं और आने वाला समय भी भाजपा का होगा। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिवस है और पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता ही सेवा इस नाते का अभियान लिया है। कई स्थानों पर हमारा जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसके द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप और दवाई वितरण के कैंप लगाए गए हैं और उसी कड़ी में मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज यहां शहर में कई स्थानों पर जहां एक तरफ स्वच्छता का अभियान चला है, पूरे जिले में 65 स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चला और एक स्थान पर ये हमारे टोहाना का राजनगर कल्याण नगर बहुत ही गरीब बस्ती यहाँ पर है, मजदूर वर्ग यहाँ पर रहता है, यहाँ पर लोगों को इस बात की सख्त जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पर चिकित्सा का फ्री चिकित्सा उसमें सब प्रकार के टेस्ट और दवाई वितरण का भी फ्री में यहाँ पर ये कैंप का आयोजन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत देश विश्व में नंबर वन बने, इसी के चलते उन्होंने अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन चलाने के कार्यक्रम का शिलान्यास किया है। साथ ही भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात कार्य कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दावा किया कि गुरुग्राम नगर निगम में भाजपा की जीत होगी और मेयर भी भाजपा का ही बनेगा। टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।